Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. So guys, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है. हम लोग एक क्लासिक गोट फार्म पर और हमारे साथ है इस वीडियो में सद्दाम भाई. ठीक है, हम लोग सद्दाम भाई से जानेंगे. नदीम भाई किसी और काम में बिजी है तो हम लोगों ने सोचा कि इन बकरों की डिटेल सद्दाम भाई से लेंगे. सद्दाम भाई भी यहाँ पे ज़्यादातर फार्म पे अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सद्दाम भाई से इन बकरों की डिटेल्स, क्या डिटेल्स पे है, किस किन के है ये बकरे, सद्दाम भाई के है या कस्टमर के है, पलाई पे है, जो भी है सारी चीज़ें हम लोग सद्दाम भाई से जानेंगे. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सद्दाम भाई. सद्दाम भाई थोड़ा सा इधर आके खड़े होंगे, आप थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा. इंशाल्लाह फ्यूचर में तुम्हारा भाई माइक ले लेगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो सद्दाम भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बकरे है ये कस्टमर के है या आपके, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो. ऐसे तो मैंने काफी बार आपको यहाँ पे देखा है, तो मैं जानना चाहूंगा और कस्टमर को, ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि बकरे किसके है, आपके है या कस्टमर के है. ये हमारे कस्टमर है. थोड़ा सा लाउडली, क्योंकि वहाँ पे चालू है उसका, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो. ये हमारे कस्टमर के बकरे हैं, ये माशाल्लाह से इनके 12 से 15 बकरे हैं यहाँ पे. हाँ, यहाँ पर. और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क्वालिटी में बकरे, टॉप क्वालिटी में बकरे. ओके, सब बकरे ऐसे ही है. ऐसे ही. अच्छा, ये वो कस्टमर के तो नहीं इनके बोर वगैरह बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बोर सानिन वगैरह मेरे ख्याल से. नहीं नहीं, ये दूसरे कस्टमर. ये दूसरे एक और कस्टमर है जिनके पास है, कोटा है, मालवा है. अच्छा. जेपी है, बोर है, सब इनको हर एक चीज का शौक है. ओके. जितने भी बकरे सब एक्सट्रीम क्वालिटी में. एक्सट्रीम क्वालिटी में, माशाल्लाह. तो बकरे फॉर सेल है. सेल वर्ड अपने को यूज नहीं करना है, देना है. ओके. या निकालना है. ठीक है, तो ये जो बकरे हैं इनकी डिटेल्स क्या होगी सद्दाम भाई? भाई देखिए, दोनों प्योर बोर है, दोनों 4-4 दांत पे हैं. ओके. आप ये बकरा जो देख रहे हो अप्रॉक्स 75 kg है. 75 kg पे है ये बकरा. एक थोड़ा सा क्लोज लुक हम लोग देंगे लोगों को, रात का टाइम हो रहा है. देख सकते हो बकरे की बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह. इसका चेहरा, इसका चेहरा, इसका सीना, और ये बहुत एग्रेसिव भी है, इसीलिए वो बकरे को थोड़ा उसके कान वगैरह पकड़े गए ताकि वो किसी को तकलीफ ना पहुंचा सके. क्योंकि YouTube गाइडलाइन में बताया गया कि बकरा एग्रेसिव है, तो आप एक्सप्लेन करो. वैसे भी बंदे ने इसका कान नहीं पकड़ा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, उसकी रस्सी पकड़ी गई है. ज्यादा ही बकरा एग्रेसिव रहता है तो ही उसके कान पकड़े जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या वेट बताया सद्दाम भाई आपने? 75 kg अप्रोक्स, और 4 दांत पे. बहुत बढ़िया यार, माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए. हम लोग यार पूरा वीडियो कवर करेंगे और फिर ये बकरों को एक वॉक अराउंड भी देंगे, मतलब घुमा देंगे. बकरे घूमते भागते कूदते दिखेंगे लोगों को, तो वो अच्छा वीडियो अच्छा मतलब एंड करेंगे उस पर अपन लोग. ठीक है, और रही बात वो दूसरे बकरे की, वो ये बकरा इससे बड़ा बकरा है माशाल्लाह. अगर आप देखोगे इसकी छाले वाला देखिए, ये भी 4 दांत पे है और 92-95 kg पे है ये. यस, बहुत बढ़िया माशाल्लाह. बहुत बढ़िया क्वालिटी में, दोनों बोर क्वालिटी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सद्दाम भाई, जैसे ये 90 kg पे जाने के बाद इसमें इतनी झालर वगैरह है ये बकरे के अंदर, तो यही झालर वगैरह वो बकरे में भी आएगी या उसको अभी आ जानी चाहिए थी इसके अंदर झालर वगैरह? देखिए भाई, उम्र में अगर आप देखोगे दोनों 4-4 दांते हैं, वो भी 4 पे, ये भी 4 पे, ज्यादा फर्क नहीं है. ये क्वालिटी में आप बोल सकते हो ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी में वो वाला. ओके, इसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा झालर वगैरह दिख के आ रही है, तो ये जैसा देखा जाए तो अभी ये और भी वेट गेन करेगा, आपको क्या लगता है? भाई बोर का तो आपको मालूम होगा कि बोर वेट गेन में बहुत अच्छे होते हैं, खुराक माशाल्लाह अच्छी होती है माशाल्लाह. अगर आप देखोगे एट एन एवरेज 5-5 kg लेते ही हर महीना. ओके, तो अगर आप ईद पलक भी देखोगे तो अभी जो करंट वेट पे 5 kg ऊपर पकड़ के चला अगर आप यहाँ रहे. अच्छा, ओके. और दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, हम दोनों की बात कर रहे हैं ना, इसमें किसी पर्टिकुलर इसकी या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरे अपने पास सेट है. और ये मैं काफी टाइम ये बकरों को मैंने अंदर देखा है. yes. और इनको मैंने बहुत बार वीडियो में कवर भी किया है, शायद एक दो बार कवर भी किया है. आज हम लोग इनको बाहर निकाल के देख रहे हैं तो माशाल्लाह ये एकदम ही अलग दिखाई देते. केज में जैसा कि हम लोग देखते हैं केज में जो बकरे है ना एकदम सुकड़े हुए ऐसे दिखते हैं, दुबले पतले से, थोड़े कमजोर से दिखते हैं, लेकिन जब बाहर निकालो तो उनका रुबा भी अलग हो जाता है माशाल्लाह, है ना. ये दोनों देखिए आप एक्टिव है माशाल्लाह, एकदम सुस्त है. हाँ, दोनों एक्टिव. थोड़ा बकरों को हम लोग चला फिरा के दिखा सकते हैं क्या? ये देखिए माशाल्लाह, देखिए पीछे से बकरों की चाल देखिए, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया. बोर इतने ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते है ना, है ना.
खाली आवाज जो रहता वो तो है ही। एंड बैंटम वेंटम जो होते है ना, ये छोटी ब्रीड्स अगर देखी है तो उसमें बैंटम्स वगैरह बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत मस्तीखोर होते हैं। बोर ज्यादातर शांत होते हैं, शांत होते हैं। ये भी अंडूल है लेकिन माशाल्लाह देखो एकदम चुप, मतलब शांत है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी। मेरे को आपको क्या लगता है ये ईद तक अगर चाहे तो ये 100 तक जाएगा, 8 केजी का गेन दे सकता है? बाकी रिजल्ट जैसे अगर कोई कस्टमर लेता है और वो बोलता है भाई मेरा बकरा यहाँ सेट है मैं इसको यही रखूंगा, तो आपको क्या लगता है 100 केजी तक टच होएगा? हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जरूर पहुंचाने की, इंशाल्लाह पहुंचाने वाली जात तो अल्लाह है, अल्लाह है बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि ये जानवर सेट है अपने माशाल्लाह। बस ये अपना एक प्लस पॉइंट ये है कि इस अभी अपने पास बकरा लेके जाना और कहीं और शिफ्ट करना और 15 दिन वहाँ पे बकरा रिवर्स होगा, वो सब अपने पास अभी टाइम बचा नहीं है। बारिश के पहले एक साल से हमारे पास चल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, हर एक मौसम झेल चुके, सब झेल, यहाँ की हर एक सीजन झेल चुके अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है तो ठीक है सिद्धम भाई, वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, है ना। और जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, नंबर आपका देना है या नदीम भाई का देना है? मेरा आपका दू। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा इस सिद्धम भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा, आप लोग इनसे डायरेक्टली बात कर लीजिएगा। प्राइस वगैरह जो है हम लोग कॉल पे बताएंगे ना जी, पीएम पे कॉल पे। ठीक है कॉल पे ये आपको इसका प्राइस वगैरह बता देंगे। ठीक है तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।